टाइम, अब वक्त आ गया है उन खुश नसीब नौजवानों के नाम अनाउंस करने का जिन्होंने NSF 2021 में पार्टिसिपेट किया और स्कॉलरशिप अवार्ड्स हासिल किए। जी हाँ, मैं दरख्वास्त करूंगा आज की तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और जीतने वाले नौजवानों के दरमियान अवार्ड तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई करें। आपकी भरपूर तालियों में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले NSF 2021 की अंडरग्रेड कैटेगरी के विनर्स को अवार्ड दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। अंडरग्रेड कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल किया है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमजा बिन इफ्तिखार की फिल्म रंगीन ने। सेकेंड पोजिशन कनेड कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर की स्टूडेंट अकीदत चिश्ती की फिल्म पठानी ने। एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द फर्स्ट पोजिशन यावर शाह जिनकी फिल्म का नाम है दीदावर। जनाब अब वक्त हुआ है स्पेशल फिल्म कैटेगरी अवार्ड का। थर्ड पोजीशन हासिल की है यारकोट गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वलीम अब्बास की फिल्म अ ग्लेशियर मैरिज। सेकेंड पोजीशन हासिल की है रूही काशिफी की फिल्म तानाबाना ने। रूही काशिफी का ताल्लुक पारा चेनार से है और लाहौर में अपनी फिल्म मेकिंग की प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। स्पेशल फिल्म कैटेगरी अवार्ड में पहली पोजीशन हासिल की है वलीद अकरम की फिल्म द डिस्कस्टफुल ने। है मोबाइल फिल्म कैटेगरी अवार्ड्स की। मोबाइल फिल्म कैटेगरी में मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम की फिल्म द टॉर्च बेरर ने थर्ड पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन हासिल की है सैयद मोहम्मद हैदर शाह की फिल्म हिस्ट्री ने। सैयद मोहम्मद हैदर शाह का ताल्लुक पेशावर से है। मोबाइल फिल्म कैटेगरी में जिस फिल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है वो है क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले नसीर अहमद और उनकी फिल्म का नाम है द ड्राउट फाइटर। और जनाब एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है जी मारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है एक खास अवार्ड की। एक ऐसा अवार्ड जो NSF 2021 के सबसे कम उम्र पार्टिसिपेंट को दिया जा रहा है, द यंगेस्ट फिल्म मेकर अवार्ड हासिल किया है हैदराबाद की 12 साल सबा फातिमा ने। वंडरफुल। हमारी नन्ही सी फिल्म मेकर सबा की फिल्म का नाम है हैदराबाद द हार्ट ऑफ मेहरान। कंग्रेचुलेशन सबा। खवातीनों हज़रात, NSF 2021 को कामयाब बनाने में एक शख्सियत का बहुत ही अहम किरदार है। मैं दावा दूंगा जनाब ज़िया चिश्ती साहब CEO अफिनिटी को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और एजाजी शील्ड वसूल करें।
थैंक यू।